अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है छिलके वाली दाल, छिलके वाली सब्ज दाल। ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे एक कप छिलके की दाल ले ली है। अब इसमें मैं 2 से 3 कप जो है पानी डालूँगी, ठीक है। अगर आपके घर में फ़ौरन से कोई आ जाता है और आप चाहते हैं कि छिलके वाली दाल ही बनानी है या उनकी फरमाइश है कि छिलके वाली दाल बनानी है, तो आप दाल को जो है अच्छे से धो लें। भिगोने का टाइम आपके पास नहीं होगा तो आप दाल को अच्छे से धो लें। धोने के बाद आप उसमें 2 से 3 कप पानी डालकर उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। जी नाज़रीन, अब मेरी दाल जो है उबल गई है। इसके अंदर ही जो है मैं 2 अदद प्याज कटी हुई डाल दूँगी। साथ ही जो है मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे जल्दी जल्दी बनाना है तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही डाल दूँगी। अगर आप जो हैं, अगर आपने मतलब इसे अलहदा अलहदा से बनाना है तो पहले आप प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप उसमें 2 से 3 अदद टमाटर ऐड कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है तो मैं चूँकि इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ जो जल्दी जल्दी रेसिपी बन जाए। आप भी घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मैश नहीं किया, हल्का हल्का किया है। और साथ में 2 से 3 अदद जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और ये सारी चीज़ें ऐड मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये इसी पानी के अंदर दाल भी गल जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी गल जाए। तो अब मैं इसके अंदर जो है मसाले ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून में इसमें हल्दी ऐड करूँगी, सिर्फ इतनी, 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून में इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून जो है इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून में इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। ये देखें नाज़रीन, हमारी जो है दाल तैयार हो गई है। इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ी सी मेथी ऐड की है, 2 से 3 मिर्चों का मैंने एक जवा जो है लहसुन का वो लगा के मैंने दाल को तड़का लगा दिया। अब आलमोस्ट मेरी दाल रेडी है। आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।